ये पूरा परिवार है, ये शिव परिवार है। भोले शंकर है, माँ पार्वती है, पिता कार्तिक, पिता गणेश, और यहाँ पे नंदी जी हैं, और ये हमारा मंदिर का शिवलिंग है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आए अपनी बहन के यहाँ, जहाँ जो कुछ दिन पहले भी इलेक्शन जीती थी, तो मिलते हैं उनसे। तो गाइज, ये मेरी सिस्टर हैं, ये मेरे जीजा जी हैं। अभी कुछ दिन पहले ये इलेक्शन लड़े थे और ये जीत भी गए हैं। जनता के ऊपर बात होती है सारी। और साथ में मेरी वाइफ यहाँ पर हैं और ये तनु हैं। तो हम लोग आए थे इनको बधाई देने के लिए। सो गाइज, करते हैं लंच। लंच में आज पनीर है, गोभी है और रायता है, चावल है, सैलड है। तो जल्दी से लंच करते हैं, फिर बढ़ते हैं। और हमने खाना खा चुके। सो गाइज, हम आए थे आज अपनी बड़ी बहन के यहाँ और हमने काफ़ी बातें भी की और यहाँ पे सब लोग थे। तो अब हम चल। सो गाइज, हम पहुँच रहे हैं अपने गांव और ये हमारे गांव का रास्ता है और काफ़ी अच्छा रास्ता है। और सामने ये गांव दिखाई दे रहा है और सामने मंदिर है। पर तो कुछ ही पलों में हम अपने गाँव के मंदिर पर पहुँचेंगे। सबसे पहले मंदिर पे दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने घर जाएंगे। गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के मंदिर पे और ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत और अच्छा है। सामने इतने पेड़ पौधे खड़े हैं, अच्छा, काफ़ी अच्छा व्यू है। और इस मंदिर की नींव मेरे पापा द्वारा रखी गई थी। तो सुबह अब चलते हैं मंदिर में। तो गाइस, अब मंदिर में हम जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के द्वार में। और काफ़ी अच्छा मंदिर है। ये पूरा परिवार है, ये शिव परिवार है। भोले शंकर है, माँ पार्वती है, पिता कार्तिक, पिता गणेश, और यहाँ पे नंदी जी हैं, और ये हमारा मंदिर का शिवलिंग है। कुछ पूजा अर्चना करते हैं, तो आरती श्री गणेश जी की से स्टार्ट करते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, एक नंद सामने पेड़ हैं और ये यहाँ पे अमरूद का पेड़ है, काफ़ी अमरूद आ रहे हैं यहाँ पे। और इसका खुद का मंदिर का सबमर्सिबल है, तो इसकी सफाई हम डेली इसको साफ़ सुथरा रखते हैं, धुलते हैं। तो सामने अमरूद का पेड़ है और इसकी इसके खेती के लिए थोड़ा ज़मीन भी छोड़ा हुआ है, जिससे यानी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलें। सो गाइस, यहाँ पे केशु मस्ती ले रहे हैं और काफ़ी आनंद मिलता है मंदिर पे बैठ के। मन में शांति मिलती है मंदिर पे आने के बाद। ऐसा लगता है कि जैसे कितना भी बड़ी टेंशन में चले हो, मंदिर पे आ जाओ तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। काफ़ी आनंद फील होता है। यहाँ पे काफ़ी गर्मी होने की वजह से हमने पेड़ के नीचे गाड़ी लगाई थी, जिससे हमारी गाड़ी गर्म ना हो। गाइज, हम आए हैं अपने गाँव के सरपंच के पास और ये हमारे गाँव के सरपंच मिस्टर ब्रजवीर सिंह मेरा। वो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मिलके इनसे। और
काफ़ी दिन से हम आए भी नहीं थे, तो गांव के बारे में भी पता चल गया कि क्या चल रहा है हमारे गांव के अंदर। तो सो गाइस अब चलते हैं अपने घर। सो गाइस ये यहाँ पे हैंडपम्प है, यहाँ पे आरओ की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ नेचुरल पानी पिया जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं ये हैंडपम्प एक जगह जगह नुक्कड़ पे लगे हुए हैं। ये देखिएगा गांव का कैसा व्यू होता है, ये छोटे छोटे रास्ते और बिना फ्लेसिंग किए हुए घर, काफ़ी अच्छा व्यू लगता है गांव का। और मैं आ चुका हूँ अपने घर, अपने घर का मैं टूर कराता हूँ। ये यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है, यहाँ पे हमारी गैया बनती थी। जब से पापा की डेथ हुई है तो गैया को पालना हमने बंद कर दिया है। और यहाँ पर ये हमारा घर है, पूरा बंद है क्योंकि यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं है, तो इसलिए पूरा घर बंद कर रखा है। देखो सो गाइस सब में लॉक लगा हुआ है, कोई नहीं है घर पे। आज आए थे तो देख लेते हैं कि मैंने कहा चलो गांव चलते हैं कुछ देर के लिए, तो कितना शांति, और ना ही एसी की ज़रूरत है, नॉर्मल फैन चलाओ और अपना रहो। यहाँ का टेम्परेचर भी लगभग अभी 30 के समथिंग है दिल्ली की अपेक्षा।